Hi guys, this is Kabir Dhuan Singh and you are watching me on Desi Feed. सफर था, अच्छा सफर है, बहुत enjoy किया मैंने. Struggle तो होता है actor की life में, जो बाहर से आया है बंदा industry में, वो struggle तो करेगा. Great shades character करने, मतलब villain characters करने मुझे. But मैं इकलौता था, मैं बोलता था मुझे south से villain बनना है, क्योंकि Bollywood में fight बहुत है, लड़ाई बहुत है काम को लेके. मैं कुछ एक ऐसा mannerism डालूं कि लोग मुझे हमेशा याद रखें. ये जो fan word है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ. तो ये friends है, मेरे भाई लोग हैं सारे मेरे. मेरी मॉम वो होती है दुखी, बिकॉज जब विलन को मारते हैं ना, तो लास्ट में तो मुझे बोलते हैं तू कब हीरो बनेगा यार, तू कब मारेगा. फरीदाबाद से मैं, आई बॉर्न ब्रॉट अप इन हरियाणा. सो वहाँ से मैं फरीदाबाद आया, छोटा सा बच्चा था जब भी पापा पिताजी ले आए थे. एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, दिल्ली स्टडी, मॉडलिंग से बॉम्बे आना हुआ. एंड ड्यूरिंग मॉडलिंग टाइम ओनली ना, मेरा माइंडसेट हो चुका था कि मुझे साउथ में ग्रेट शेड्स कैरेक्टर करने, मतलब विलन कैरेक्टर्स करने मुझे. तो मैं, मेरा माइंडसेट था, प्लानिंग थी माइंड में कि मैं उस टाइम कुछ भी बॉलीवुड नहीं देख रहा था, टीवी नहीं देख रहा था. हालांकि उस टाइम भी मुझे टीवी के ऑफर्स थे, बट मैं नहीं देख रहा था. मुझे बैडी कैरेक्टर करने बड़ा, मतलब एक होता ना कि आपकी इच्छा की यार मुझे वहाँ से स्टार्ट करना है और मुझे वही चीज़ करनी है. सो मैं, आई एम द वन इन माई लॉट, जो हमारा मॉडलिंग का ग्रुप था एक 6-7 लड़कों की, वो सब कहते यार मुझे धर्मा की फिल्म करनी है, हमें यहाँ हीरो बनना है हमें. बट मैं इकलौता था, मैं बोलता यार मुझे साउथ से फिल्म बनना है. सो ये सब प्लानिंग थी और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हुआ. मैंने फोकस किया इस चीज़ को लेके दिमाग में अच्छे से कि हाँ मुझे वहीं से स्टार्ट करना है. क्या होता है कि जब आप वहाँ काम करोगे, आजकल अगर आप कोई भी चैनल उठा के देख लो, हर चैनल पे साउथ की फिल्म चल रही है. तो आज के टाइम पे मेरी 16 फिल्में टीवी पे चल रही, डब होके, सेट मैक्स पे, जी सिनेमा पे, ETC पे, बहुत सारी जगह फिल्में चल, स्टार गोल्ड पे. सो आप जब लोग मेरा काम देखते हैं कि हाँ यार साउथ में काम किया हुआ है, साउथ में काम कर रहा है, एंड आई एम 32, तो अभी तक सब 30-32 फिल्में हो चुकी हैं. सो अब जब कॉल्स आती है तो अच्छा लगता है कि हाँ यार काम किया हुआ बंदे. तो क्यों, बॉलीवुड में फाइट बहुत है, लड़ाई बहुत है काम को लेके. मेरी पहली फिल्म जिल थी, जो 2015 में 27 मार्च को रिलीज़ हुई थी. सो वो फिल्म जब रिलीज़ हुई मेरी, उसके लिए मैंने बहुत तैयारी की थी, बिकॉज पहली फिल्म थी, डेब्यू थी और बहुत बड़ी फिल्म थी. यूवी क्रिएशन से आती, प्रभास सर वो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, जो बाहुबली में अपने हीरो थे उन्होंने. सो उसके लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन की, डायलॉग्स याद किए, बिकॉज बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, सो तेलुगु बोलना, डायलॉग्स बोलना, वो इजी जॉब नहीं था, बहुत टफ टास्क था मेरे लिए. तो हर डायलॉग को मैं याद करता था. मैं, आई रिमेंबर कि मैं डिग्री करने के बाद, मतलब मैं DU से पास आउट हूँ, उसके बाद मैंने अब जाके किताबें उठाई और मैं फ़्लाइट में हूँ, मैं कॉफ़ी शॉप में हूँ, तो मैं डायलॉग सारे याद करता था. और जब मैं पहले दिन सेट पे गया तो मैं एक्चुअली तेलुगु बोल सकता था. सो वो चीज़ थी. और जैसे आज भी मुझे डायलॉग याद है, वो अपनी पहली फिल्म का पहले दिन का पहला शॉट का डायलॉग, कि वीडू नन्नू मौसम चेसा डोवन्ना, बात करना चार में को उंडी वाड़ी मोगा मोनम. सो आज भी याद है उसका. सो उससे आज तक ना हैबिट हो गई कि मैं प्रॉम्प्ट नहीं लेता हूँ, मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ. जैसे बहुत अपने आर्टिस्ट हैं नॉर्थ इंडियन जो हिंदी बोल के डायलॉग बोलते हैं, क्योंकि वो लिपसिंग आपकी मैच नहीं करते, सिंक्रनाइज नहीं करती है. सफ़र था, अच्छा सफ़र है, बहुत इन्जॉय किया मैंने. और स्ट्रगल तो होता है एक्टर की लाइफ में, जो बाहर से आया है बंदा इंडस्ट्री में, वो स्ट्रगल तो करेगा उसका स्ट्रगल क्या. बट स्ट्रगल में भी ना एक करंट है, एक मज़ा है यार. अगर वो चीज़ आसानी से मिल जाएगी ना, आपको उसकी अहमियत नहीं होगी. अगर मुझे पहली बारी में फिल्म मिल जाएगी तो मुझे मिलेगा रहे तो बहुत आसान था. और अगर मुझे वो चीज़, जैसे मैंने बॉलीवुड पहले बहुत ऑडिशन दिए टीवी एड्स के, तो मैं कभी फिट नहीं हो रहा, कभी लंबे बाल थे मेरे, कभी बोले कि नहीं फैशन लुक है, तो मैं रिजेक्ट हो रहा था. मैं ठीक है, डिसहार्टन होता था कि यार नहीं मैं तो फिट हूँ. हेयर कट भी किया उसके बाद भी, कभी पता लगा कि यार तू फिट, बाद में चीज़ें पता लगी कि यार फिरंग ले लिया, यू आर फिट, यू दे वॉन्टेड यू. बट वो है ना, आपको वो मेरे अंदर करंट थी, वो मेरे अंदर आग थी काम करने, भूख थी. सो अगर वो भूख आग भी आज भी, अगर उस टाइम भूख नहीं होती ना, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आता कि 3.5 सालों में 30-32 फिल्में होना, बॉलीवुड का डेब्यू रिलीजिंग पर है, सेकंड फिल्म की शूटिंग चल रही है. सो वो आग हमेशा एक एक्टर के अंदर ना बरकरार रहनी चाहिए. जैसे तमिल बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है, तेलुगु बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है, कन्नड़ा, तीनों अलग लैंग्वेजेज है. सो मैं जब कन्नड़ा फिल्म करता हूँ तो उसकी अच्छे से तैयारी करता हूँ. जैसे मेरे असिस्टेंट होते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, मेरे असिस्टेंट वहाँ के को डायरेक्टर्स मुझे हेल्प करते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी हर फिल्म में मैं कुछ एक ऐसा मैनरिज्म डालूँ कि लोग मुझे हमेशा याद रखें. कुछ होता है ना स्टाइल होता है कि भैया एक कभी कोई सा एक स्मोकिंग स्टाइल होता है, या ड्रिंकिंग स्टाइल होता है, या चलने का स्टाइल होता है, बैठने का स्टाइल होता है, या बंदा हमेशा यहाँ पर कुछ रख, मतलब कुछ भी एक ऐसा मैनरिज्म, जो एक्टिविटी जो बंदा जब मैं स्क्रीन से लोग जाएँ देख के थिएटर से, तो लोग उसको याद रखें हमेशा. मैं कोशिश करता हूँ वो करने का, प्रिपेयर करता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, रीडिंग करता हूँ किताब के बारे में, जो कैरेक्टर मुझे मिलता है उसके बारे में स्टडी करता हूँ कि कहाँ से है वो, कहाँ से कहाँ तक क्या कर रहा है,
कैरेक्टर स्टडी बोलते हैं, तो वो मैं करता हूँ हमेशा। सर इसका तो इंतजार है, अब आएगा रियल कबीर सर। तो मैं जब भी देखता था फिल्में, जैसे जॉन सर ने भी करी हैं, इमरान हाशमी भी करी हैं, ऋतिक रोशन ने भी की हैं, काफ़ी फिल्में की हैं, कबीर के नाम से 7-8 बार फिल्मों में आ चुका है। सो जब भी मैं देखता था, मैंने कहा यार विश मेरा कॉपीराइट होता है यार कबीर के ऊपर। सो अब ये कबीर जो है, जिसका रियल नाम कबीर है, तो वो अब बॉलीवुड में आएगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय फर्स्ट फिल्म। मैं डब नहीं करता हूँ, बट जो पहलवान है मेरी आने वाली फिल्म, वो हिंदी में डबिंग मैंने भी सपैन रिलीज, तो हिंदी में डबिंग खुद की अपने आप। सो जो फिल्में हमारी रीमेक होती हैं, जो हमारी फिल्में डब होती हैं, वो हम नहीं करते। मेरी फैमिली बहुत खुश होती है देखिए जब पहली फिल्म जिल देगी, बट मेरी मॉम थोड़ा सा वो होती है दुखी, बिकॉज जब विलन को मारते हैं ना, तो लास्ट में तो मुझे बोलते हैं तू कब हीरो बनेगा यार, तू कब मारेगा। सो मैं कहा आएगा आएगा, अगर भगवान ने वो दिन लिखा होगा ज़रूर आएगा। सो अच्छा रिएक्शन है, बिकॉज आई नो फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, किस जगह से मैंने, यहाँ तक का जर्नी मेरे लिए ईजी नहीं था। एक कॉलोनी, बिकॉज आई यूज टू स्टे इन कॉलोनी, मैं बहुत स्मॉल टाउन, एक फरीदाबाद एक टाउन है, वहाँ से निकला हूँ पढ़ाई के ड्यू गया। मॉडलिंग में कोई ना कोई नहीं था, आई हैड नो वन इन द इंडस्ट्री, आई हैड नो वन इन द फिल्म इंडस्ट्री मॉडलिंग को, तो कैसे अपना मॉडलिंग में नाम बना के फिर मैं साउथ में गया, साउथ से बॉलीवुड में। सो मेरे लिए टफ था वो चीज़, बट मुझे ये खुशी होती कि यार आई एम सेटिस्फाइड इन माई लाइफ, माई फैमिली की यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ, कि यार विद हैड नो वन इन द इंडस्ट्री, स्ट्रगल है, तो यार आई रिस्पेक्ट, मैं उस स्ट्रगल को रिस्पेक्ट करता हूँ। इसी मैंने उनके साथ, मेरे जो तमिल लैंग्वेज है, तमिल में मेरी पहली फिल्म ऑपोजिट अजीत सर थी वेदलम, जो वन ऑफ माय बिगेस्ट हिट है, जो 4 दिन में 100 करोड़ कर दी जिस फिल्म ने। उसका रीमेक अभी बॉलीवुड बनने वाला है अपना, सो वो न्यूज़ आपको पता लग जाएगी भी रिसेंटली आने वाले टाइम में। सो द वे ही मेट मी, हमारी पहली मीटिंग थी जब मैं सेट पर गया और मैं डायरेक्टर, हम डायरेक्टर का सीन डिस्कस कर रहे हैं, मी एंड डायरेक्टर सर शिवासा सी, वी डिस्कसिंग द सीन, एंड अजीत सर सामने आते हैं। एक होता ना पर्सोना एक बंदे का, कि जिनके चेहरे पे मैं स्माइल रहती है हमेशा, तो मैंने उनको देखा, वो सब लाइट मैन सबसे मिलते हैं। अच्छा उनकी क्या हैबिट है कि वो वैनिटी मैन में नहीं जाएंगे पहले, तो वह पहले सेट पर सबसे मिलेंगे, सबसे यूनिट से, पूरी यूनिट से हेलो हाई करेंगे, नमस्ते करेंगे, एंड वो हिंदी बहुत साफ है सर की। सो सबसे मिले, एंड देन ही सॉ मी एंड ही केम टू मी, हग मी, ही सेट नेक्स्ट टू मी, एंड उन्होंने हिंदी में पूछा कि आप कहाँ से हैं, आपने लंच किया। सो वो जो एक पहली मीटिंग था ना, मुझे बड़ा बहुत अपनापन सा लगा। एंड देन उसके बाद वो हमारी नेक्स्ट डे फाइट सीक्वेंस था, हमारा 7 डेज का फाइट सीक्वेंस था, कि भाई इतना बड़ा सुपरस्टार है, वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि उनके ऑपोजिट आई एम कमिंग, मैं कहीं मुझसे कोई इंजरी ना हो जाए, कोई पंच ऊपर नीचे ना हो जाए। सो बहुत चीज़ दिमाग में रहती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं आपकी, यार अच्छा ये सीन ठीक हो रहा है, सुपरस्टार है, मैं ज़्यादा टेक तो नहीं ले रहा हूँ, रीटेक तो नहीं ले रहा हूँ। सो बहुत सारी चीज़, बट मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एज अ को एक्टर, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया मुझे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हालांकि मैंने उनको डाइट स्केड्यूल भी दिया बना के, उन्होंने बोला यार कभी मुझे जरा डाइट स्केड्यूल चाहिए, सो वो बना के दिया मैंने उनको, फॉलो भी किया उन्होंने वो चीज़। और वी शॉट 17 डेज फॉर वेदलम, एंड मेरे लिए बहुत मेमोराइज, मतलब मैं आज भी उसको मेमोरी मेरे जिंदा है मेरे अंदर हूँ। यार पहलवान मुझे जब ऑफर हुई थी, तो लास्ट ईयर जून में ऑफर हुई थी, मैं सर से मिला, मैं आई वॉज डाउन विद वायरल फीवर, जब मैंने फिल्म सुनी मेरे वायरल हो रखा था बहुत ज़्यादा, मैं आई नो हाउ आई वेंट देयर, मैं कैसे गया वहाँ पर, तबीयत ख़राब थी, मीटिंग की, फिल्म सुनी, ये वो कैरेक्टर था जो मेरे होता ना विशलिस्ट की, मैं करना चाहता था ये कैरेक्टर, जब मैंने सुना तो मैंने आई डेफिनेटली सेड यस, बिकॉज आई एम बिग फैन ऑफ रॉकी, एंड रॉकी मैंने देखी तो मेरे जहन में था कि यार मुझे, मेरी इच्छा थी कि यार मुझे एक बॉक्सिंग वाला स्ट्रॉन्ग विलन प्ले करना है करना है। सो मुझे इतनी जल्दी अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर इतना जल्दी मिल जाएगा मुझे नहीं पता था। सो मिला, उसके लिए प्रिपरेशन की मैंने, 6 months ऑफ बॉक्सिंग ट्रेनिंग विद प्रोफेशनल बॉक्सर, 4 months ऑफ ट्रेनिंग विद कोच, जिम में वेट कट डाउन किया, बिकॉज आई हैड टू लुक लाइक अ प्रोफेशनल बॉक्सर इन द फिल्म। सो वो सब था, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है फिल्म में, जिसको जो ऑडियंस वो बहुत टाइम तक नहीं भूलेगी, इसका एटीट्यूड जो फिल्म में है, जो रूथलेस बॉक्सर प्ले ही इज़ प्लेइंग, एंड इसको बहुत टाइम तक दुनिया नहीं भूलने वाली इस कैरेक्टर को। सी हमारा शूट साथ में होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ डेट्स इशूज़, मेरी कुछ डेट्स बिजी थी, सर की बिजी, तो हम साथ में शूट कर नहीं पाए। बट मेरा पहली बार जो इंटरेक्शन था उनसे, आई वॉज सिटिंग विद सुदीप सर, एंड ही केम एंड ही ज्वाइंड अस एंड ही हग्ड मी, एंड आई टोल्ड हिम सी सर यू नो आई, इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, कि हालांकि हम साथ में काम नहीं कर रहे, बट सीन था अलग अलग, बट मिलना हुआ उनसे एक ही फिल्म में, ही इज़ इन टू पॉजिटिव आई मीन टू नेगेटिव लीड। सो वो सब था, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी वो सर से मिला, जो हम वी वर देयर फॉर 15-20 मिनट्स, बट वो 15-20 मिनट बहुत स्पेशल फील कराया उन्होंने, और साउथ की फिल्मों के बारे में बात की, साथ में बैठा, वी हैड कॉफ़ी टुगेदर, एंड ही पीपल कॉल्स हिम अन्ना, अन्ना मीन्स ब्रदर, सो ही इज़ अन्ना फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस। नहीं सर, मैं अपने फैंस से
अच्छा पहली बात तो ये फैंस नहीं मेरे लिए फ्रेंड्स हैं, बिकॉज इन लोगों की वजह से ही हम सब हैं. तो ये जो फैन वर्ड है मैं इससे सहमत नहीं हूँ. तो ये फ्रेंड्स हैं मेरे, भाई लोग हैं सारे मेरे. सो जब मैं हैदराबाद जाता हूँ स्पेशली, अभी तो बॉम्बे में भी, क्योंकि अपनी सारी फिल्में हिंदी में चल रही हैं डबिंग होकर, पहलवान का ट्रेलर आ चुका है तो लोग अभी पहचानते हैं लोग. जहाँ भी कभी नेचर बास्केट चला गया, मॉल में चला गया, तो लोग जानते हैं, आते हैं, पिक्चर क्लिक कराते हैं. इट्स अ गुड फीलिंग यार, बिकॉज मेरा जो सफ़र रहा है कहाँ वहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत मतलब स्ट्रगल फेस था. और आई नेवर थॉट कि मतलब मैं यहाँ तक इतनी जल्दी माय करियर में मैं यहाँ तक आ जाऊँगा. सो अच्छा लगता है जब फैंस आते हैं, स्पेशली जब मैं हैदराबाद एयरपोर्ट उतरता हूँ या चेन्नई एयरपोर्ट उतरता हूँ, वहाँ लोग पहचानते हैं तो आते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, बच्चे आते हैं छोटे छोटे कि सर अन्ना, एंड दे कॉल मी अन्ना. मेरी जो पहली फिल्म थी जिल, छोटा नायक बहुत फेमस हुआ कैरेक्टर की, साउथ में मुझे आज तक बोलते हैं जिल विलन. आज तक मैं मतलब कुछ 30-32 फिल्में हो चुकी हैं, तेलुगु में 17 फिल्में, 7 तमिल, 7 कन्नड़ा. सो आज भी मतलब मैं अगर सेट पर जाता हूँ तो बोलते हैं कि यार योर विल ना जिल विलन, वी वॉन्ट जिल विलन. सो जिल विलन, और यहाँ पर वो हिंदी में डब हुई है. तो यहाँ पर जब भी बाहर जाता हूँ तो छोटा नायक मुझे लोग बोलते हैं कि यार सर वो छोटा नायक, वो कैरेक्टर, वो आपका लुक, बियर्ड लुक, वो आपका स्टाइल, वो आपका सर, वो आपका सिगरेट सिगार पीने का स्टाइल. सो वो बहुत अच्छा था जो पहला इंट्रोडक्शन सीन है मेरा वो चीज़. सो छोटा नायक बड़ा फेमस हुआ, बट पहलवान के बाद टोनी कैरेक्टर दुनिया बहुत टाइम तक नहीं भूल पाएगी. जो मेरा नाम है इसमें टोनी सेबेस्टियन, वो बहुत टाइम तक नहीं भूल पाएगी कैरेक्टर. नहीं ये हेल्पफुल नहीं, सी हरियाणा के बालक हैं यार हम किसान के बच्चे हैं यार. तो कद काठी तो वैसे हरियाणा की होती है, और वहाँ जितने पहलवान हैं सारे, अपने जितने भी अवार्ड्स आते हैं, जितने मेडल्स आते हैं, मोस्टली हरियाणा में आते हैं पहलवानी बॉक्सिंग में आप देख लो तो. सो और मैंने शुरू से ना कबड्डी खेली है मैंने, जैसे वो सब स्पोर्ट्स पर्सन, वॉलीबॉल खेला, ये सब खेला, तो ये थोड़ा अंदर भी आ जाता अपने. और जब बॉक्सिंग फिल्म ऑफर हुई, और उस मैं बताना चाहूँगा आपको कि दो साल पहले से मैं मार्शल आर्ट कर रहा हूँ. सो मेरे लिए कहीं ना कहीं हेल्प भी थी, बिकॉज बॉक्सिंग में पंचेज थोड़ा शोल्डर से चलते हैं और इससे थोड़े से बंदे हुए पंचेज, एमएमए में थोड़ा बंदे हुए पंचेज चलते हैं. सो दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. सो मेरे लिए ईजी था थोड़ा बॉक्सिंग बॉक्सर प्ले करना, क्यों मैं मार्शल आर्ट कर रहा था, किक्स कर रहा था. हालांकि इसमें किक्स नहीं है, पंचेज ज़्यादा होते हैं इसमें. सो मुझे लगा बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी मेरे लिए करना, क्योंकि 5-6 महीने करी मैंने बॉक्सिंग थी. मेरी पहली फिल्म जिल के प्रोड्यूसर प्रभास सरी थे, एंड अच्छा वो फिल्म जो थी वो 22 करोड़ की फिल्म थी, वो बहुत बड़ी फिल्म थी, बट वो वॉज अ गुड फिल्म, इज अ वेरी गुड फिल्म. साहू फिल्म जो है बहुत ही हाईली बजटेड फिल्म है, बिकॉज इसमें जो एक्शन है इट लुक्स लाइक पूरी हॉलीवुड का एक्शन पूरा. तो वो ईजी नहीं करना, बिकॉज इवन आई हर्ड कि जितने भी इसमें स्टंट मास्टर्स लिए गए हैं, स्टंट मैन लिए गए, सारे बाहर के लिए गए. मुझे याद है कि मैं पहलवान की शूट कर रहा था, रामोजी में हमारी शूट हो रही थी, एक हॉल के अंदर हमारा शूट हो रहा, बॉक्सिंग का रिंग लगा हुआ था, और एक के अंदर इनका फाइट सीक्वेंस शूट हो रहा था जो थोड़ा बहुत कुछ पैच वर्क बचा हुआ था. तो सारे फाइटर्स बाहर के थे, तो आई कुड सी ऑल फिरिंग्स देयर, सारे फिरिंग्स. तो इट्स अ हाई बजटेड फिल्म, एंड आई एम हैप्पी कि ऐसा सिनेमा भी अपने इधर आ रहा है. मतलब इतना बड़ा सिनेमा, इतने बड़े पैमाने पे फिल्म बन रही है. साहू जैसी फिल्म से पहले बाहुबली थी, तो पैन इंडिया रिलीज हुई थी, साहू पैन इंडिया रिलीज है, और अभी कुछ 3-4 दिन के अंदर 350-400 करोड़ कमा चुकी है फिल्म. सी पहलवान के बाद मेरी कुछ 4-5 फिल्में चल रही हैं अभी. पहलवान रिलीजिंग पर है, बोले चूड़िया रिलीजिंग पर है, 3 तमिल फिल्में चल रही हैं, एक एक्शन फिल्म का नाम है एक्शन, वो एक्शन हार्डकोर एक्शन फिल्म है, यूरोप में शूट हुई है, टर्की यूरोप में वो फिल्म है. योगिडा है एक, इट्स अ वुमेन सेंट्रिक फिल्म, आई एम कमिंग एज अ लीड विलन अगेन देयर, एंड एक विंसन सिल्वा की फिल्म है. तो 4-5 फिल्में रिलीजिंग पर अभी, एंड बॉलीवुड की फिल्में आ रही हैं यार अभी, तो धीरे धीरे पता लगती जाएंगी जैसे न्यूज़ आउट होंगी कि हाँ वट ऑल हिंदी फिल्म आर कमिंग, एंड आई मीन टॉक फॉर वन मोर हिंदी फिल्म. सो लेट्स सी. मुझे तेलुगु ज़्यादा इजी लगती है, क्योंकि तेलुगु मैंने बहुत फिल्में की हैं, मैंने कुछ 17-18 तेलुगु फिल्म्स की हैं. सो वो लैंग्वेज मैं सीखने भी वाला था, बट मैं देन आई मूव टू तमिल, देन आई मूव टू कन्नड़ा, तो आई थॉट कि यार अभी मैं याद करूँगा डायलॉग. सो बिकॉज हर लैंग्वेज डिफरेंट है मैं, और जब हिंदी में आया तो फिर मुझे थोड़ा सा राहत मिली जब मैंने हिंदी पहली फिल्म शूट की, बिकॉज मैं अपने आस पास सब लोग हिंदी बोल रहे थे. तमिल में बोलूँ यार अभी, तमिल में कैसे बोलूँ मैं कि इंग्लिश में बोल देता हूँ यार, बिकॉज अभी तो हिंदी में काम कर रहा हूँ, इसलिए फिल्में चल रही हैं तमिल. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट. आप हो तो मैं हूँ, सिंपल सी बात है यार. आप ही लोगों ने मुझे बनाया है, अपना प्यार बरकरार रखो. और ये पहलवान रिलीज़ हो रही है 12 तारीख को, इस फिल्म को आप मिस मत कर जाए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, बिकॉज फिल्म में बॉक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है. इस लेवल की बॉक्सिंग दिखाई गई है कि बॉक्सिंग इंडिया में नहीं है ऐसी, इस लेवल की बॉक्सिंग दिखाई गई है. पहलवानी है फिल्म में, सुनील शेट्टी सर का काम लाजवाब है,
सुशांत सर ने बहुत अच्छा काम किया है, पहलवानी कैरेक्टर इज प्लेइंग, पहलवान कैरेक्टर इज प्लेइंग, एंड आई एम प्लेइंग अ वेरी रूथलेस प्रोफेशनल बॉक्सर इन द फिल्म, की जिसको नॉकआउट किलर बोलते हैं, नॉकआउट चैंपियन है बंदा, नॉकआउट आउट नॉकआउट करता है सबको. सो मुझे बहुत, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द फिल्म. सो ट्रेलर देखने के बाद आप भी हो गए हो तो डू वॉच दिस फिल्म ऑन 12 सितंबर.